हेलो एंड वेलकम टू जावाटी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है नेक्स्ट वीडियो ऑन ट्रिगर। तो आज हमारा ट्रिगर ही टॉपिक है, लेकिन हम सेकंड वीडियो ट्रिगर की लेके आ रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था ट्रिगर क्या होता है, ट्रिगर्स के बेनिफिट क्या है, ट्रिगर्स का सिंटेक्स क्या है, और फिर हमने ट्रिगर का एक एग्जाम्पल देखा था, सैलरी डिफरेंस वाला ट्रिगर बनाया था, और उसको हमने ओरेकल में रन करा के भी देखा था। तो आज हम नया क्या करने वाले हैं, आज हम दो चीज करने वाले हैं। सबसे पहली चीज मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि ये जो आपको टेबल दिख रहा है सामने, आपकी आंखों के सामने इंप टेबल, इस इंप टेबल पे हम एक ट्रिगर लगाएंगे, वही सैलरी डिफरेंस। और साथ में क्या करेंगे, अब मैं अपने हर एम्प्लॉय की सैलरी को 5,000 रुपए बढ़ाना चाहता हूं। सपोज करो दिवाली का मौसम है, दिवाली का टाइम है, फेस्टिव सीजन है, और मैं हर एम्प्लॉय को बोनस देना चाहता हूं 5,000 रुपीज का। तो मैं ट्रिगर और प्रोसीजर्स के थ्रू ये काम कैसे करूंगा ये देखते हैं। तो अभी मेरे पास टोटल 5 एम्प्लॉय है मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे, आपको दिख रहे हैं, पहला है जॉन और लास्ट है जैस्मिन। इन सबको मैं 5,000 रुपए एक बोनस अमाउंट देना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं ट्रिगर, वही ट्रिगर जो मैंने कल प्रीवियस वीडियो में, ट्रिगर की फर्स्ट वीडियो में रन कराया था, उसको आप देख लेना, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। तो ये मेरा ट्रिगर था। ये ट्रिगर क्या था, क्रिएट ट्रिगर, सैलरी डिफरेंस ट्रिगर हमने बनाया, ठीक है। और किस किस डीएमएल पे ऊपर बनाया, इंसर्ट पे भी बनाया, डिलीट पे भी बनाया, अपडेट, अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो ये काम हो, क्लियर। फॉर ईच रो, रो लेवल ट्रिगर है, डिक्लेयर, एक हमने वेरिएबल बनाया सैलरी डिफरेंस, ठीक है, ये वेरिएबल है, ट्रिगर का नाम भी वही है और आपका वेरिएबल का नाम भी है, ले सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं। इसका डेटा टाइप क्या है, नंबर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सैलरी डिफरेंस निकाला। व्हाट इज सैलरी डिफरेंस, सैलरी डिफरेंस क्या होता है, न्यू सैलरी, न्यू क्या, एक सूडो रिकॉर्ड है, और सूडो रिकॉर्ड को कोलन से दिखाते हैं। तो सैलरी डिफरेंस क्या होता है, आपकी प्रीवियस सैलरी क्या थी और नई सैलरी कितनी है ना। मुझे पहले 20,000 मिलता था, अब मुझे 25 मिल रहा है, तो 5,000 रुपए डिफरेंस आ गया। अब प्रिंट कराने के लिए डीबीएमएस में क्या यूज करते हैं, डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और फिर हम जो प्रिंट कराना है उसको एज इट इज लिखेंगे, और जिसको प्रिंट कराना है उसको कोलन के साथ लिख देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं कल बता चुका हूं आपको, क्लियर। अब मैं नीचे जाता हूं, ओके, और मैं स्लैश दबाता हूं, ट्रिगर क्रिएट हो गया, बहुत बढ़िया। तो मेरा इंप टेबल पे ट्रिगर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, हर बंदे की जो सैलरी है उसे 5,000 रुपए बढ़ा देना है। तो हर बंदे की सैलरी को जो 5,000 रुपए बढ़ा देना है वो क्या करना है, वो एक प्रोसीजर से करके देखते हैं हम, ठीक है। तो प्रोसीजर मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, ये देखो प्रोसीजर बनाया हुआ मैंने, ये मैं प्रोसीजर भी आपको समझा देता हूं। वैसे ये काम डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन प्रोसीजर को सीख लेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा आपको। चलो देखो क्या किया, डिक्लेयर एक टीआर, एक वेरिएबल बनाया टीआर, टेबल रो नाम से, ठीक है। इसका डेटा टाइप क्या है, नंबर, और इसका साइज क्या है, 2। तो टेबल में मान लो दो रोज हैं, मतलब नंबर दो नंबर तक उसमें वैल्यूज हैं, ठीक है, 99 तक, 99 तक, तो उसके लिए बनाया बिगिन। अब मैंने क्या किया, अपडेट इम्प, मैंने कहा अपडेट करो इम्प ऊपर वाले टेबल को, सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 5,000। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मैंने कोई वेयर क्लॉज तो लगाया नहीं कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की बात करूं, मैं तो कह रहा हूँ हर एम्प्लॉय की सैलरी में, इस लाइन में मतलब समझो, मैं कह रहा हूँ हर एम्प्लॉय की सैलरी में 5,000 रुपए जोड़ दो। अपडेट इम सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 5,000 मींस जब हमने कोई वेयर क्लॉज नहीं लगाया तो उसका मतलब मैं कह रहा हूं हर एम्प्लॉय की सैलरी में क्या जोड़ दो, 5,000 रुपए जोड़ दो। अच्छा अब आओ, ये काम तो हो चुका, तो अब जैसे ही आप अपडेट ये लाइन चलेगी तो क्या होगा, ट्रिगर फायर होगा ना, क्योंकि हमने जो ऊपर ट्रिगर बनाया है, देखो जरा ध्यान से, ये जो ऊपर ट्रिगर बनाया है इसमें क्या लिखा है, इंसर्ट हो, डिलीट हो या अपडेट हो, तुम फायर हो जाना। तो जैसे ये लाइन इस प्रोसीजर की चलेगी तो ये ट्रिगर फायर हो जाएगा। अच्छा वो फायर होगा तो हर सैलरी को इंक्रीमेंट करेगा, और जब हर सैलरी को अपडेट करेगा तो ये सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, क्या, पहले तो वो सैलरी डिफरेंस निकालेगा, ठीक है, और फिर वो ओल्ड सैलरी प्रिंट कराएगा, फिर वो न्यू सैलरी प्रिंट कराएगा, और फिर वो सैलरी डिफरेंस भी प्रिंट कराएगा। तो ये काम हर के लिए करेगा वो, ठीक है, ये लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन साथ में एक चीज और, अब मैंने एक जो प्रोसीजर बनाया उसका फायदा क्या है, देखो मैंने लिखा इफ एसक्यूएल परसेंट नॉट फाउंड, ये चीज कर्सर में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं, अब ये बस आप इतना समझो कि अगर मेरे कोई भी रो नहीं है, दैट इज एसक्यूएल परसेंट नॉट फाउंड, मतलब अगर मेरी कोई भी रो नहीं है तो मैं किसी को भी अपडेट नहीं कर पाऊंगा, तो डीबीएमएस क्या प्रिंट करा दूं मैं, नो एम्प्लॉय अपडेट। भाई सपोज करो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय नहीं है और मैं कह रहा हूं सबको 5,000 रुपए बांट दो, इंक्रीमेंट कर दो, तो भैया कोई एम्प्लॉय नहीं तो अपडेट कहां से होगा। अच्छा अदरवाइज एल्स इफ देखो ये याद रखना, इफ एल्स कैसे लेते हैं, ये ऐसे लेते हैं, एल्स इफ SQL found, अगर found है, अगर कुछ employees हैं, तब क्या करो, सबसे पहले क्या करो, पता करो कितने employee हैं, तो पता करने के लिए क्या use करते हैं, SQL percentage row count, तो row count से क्या पता चलेगा कितने employee हैं, और कितने employee थे, 5 employee थे मेरे पास, तो TR में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो overall TR में 5 पहली हो गई, और last में क्या वो print करेगा,
DBMS TR, दैट इज 5 एम्प्लॉय अपडेटेड। तो फाइनली वो आंसर जो देगा हमें वो इस चीज से लाके देगा कि 5 एम्प्लॉय आपके जो हैं वो क्या हो गए, अपडेट हो गए। चलो भाई रन करा लेते हैं। रन कराने के लिए मैंने स्लैश लगाया, ये रन करा दिया और देखा कितना ब्यूटीफुल आंसर आ रहा है। तो पहला एम्प्लॉय जिसको 26,000 मिल रहा था उसकी नई सैलरी 31,000 हो गई, डिफरेंस 5,000 रुपए हो गया। दूसरा एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 37,000 थी अब उसकी नई सैलरी 42,000 हो गई, सैलरी डिफरेंस क्या हो गई। ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या है, ये ट्रिगर है, ये ट्रिगर रन किया। और ये क्या है, ये क्या है लास्ट वाली लाइन, ये प्रोसीजर रन किया। तो प्रोसीजर में क्या कर रहा है, TR दैट इज 5 एम्प्लॉय अपडेटेड, देखा आपने, और साथ में लिख के भी आ रहा है प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो दिस वाज समथिंग अबाउट प्रोसीजर एंड ट्रिगर्स बोथ, ठीक है, ये मैंने बताने की कोशिश की। अब दूसरा मैं आपको कराने जा रहा हूं कि कैसे हम एक इफ एल्स की स्टेटमेंट को यूज करेंगे, किसमें किस पे, कैसे इफ एल्स की स्टेटमेंट को यूज करेंगे, ट्रिगर पे। तो अब हम एक नया ट्रिगर बनाने जा रहे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट वाला। तो चलो आप प्रीवियस ट्रिगर को ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप कैसे करते हैं, लिखेंगे ड्रॉप ट्रिगर, TRIGGER ट्रिगर, और ट्रिगर का नाम, ट्रिगर का नाम क्या था, सी सैलरी अंडरस्कोर डिफरेंस, DIFFERENCE। देखो ना ऊपर देख लो, यही ट्रिगर बनाया है, इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूं, हटा रहा हूं, उड़ा रहा हूं, मैं कह रहा हूं जाओ तुम, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। सैलरी डिफरेंस मैंने ये जो क्रिएट ट्रिगर किया था सैलरी डिफरेंस, अब मैं इसको उड़ा रहा हूं। तो चलो उड़ा देता हूं, उसको डिलीट कर देता हूं, पूरे ट्रिगर ड्रॉप, वो ट्रिगर अब खत्म हो गया। अब मैं नया ट्रिगर बना रहा हूं, तो नया ट्रिगर भी मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो जल्दी से मैं ये नया ट्रिगर इफ एल्स वाला आपके लिए प्रिंट पेस्ट करता हूं, ठीक है। अब इफ एल्स वाला ट्रिगर क्या है, ये देखो मैंने एक ट्रिगर ये बनाया है, कंट्रोल सी, अब मैं पहले पेस्ट कर लूं फिर आपको समझाता हूं, कंट्रोल वी, ये देखो क्रिएट ट्रिगर सैलरी डिफरेंस वन, इसका नाम चेंज कर दिया, वन दे दिया, टू दे दो, सैलरी डिफरेंस भी रख सकते हो अब आप, क्यों, क्योंकि सैलरी डिफरेंस तो हमने ड्रॉप कर दिया ना, अब तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। बट हमें प्रीवियस ट्रिगर को ड्रॉप करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो भी रन करेगा और ये भी रन करेगा। अच्छा, एक टेबल में कई भी कितने भी ट्रिगर लगा सकते हो आप, लेकिन कोशिश ये करो कि उसमें अगर कोई आउटपुट है तो फिर सबके आउटपुट एक साथ आना शुरू हो जाएंगे। चलो फिर मैंने क्या, बिफोर वही सेम काम, इंसर्ट पे भी करो, डिलीट पे भी करो, अपडेट पे भी करो। अच्छा, फॉर ईच रो, रो लेवल ट्रिगर है, सैलरी डिफरेंस निकालो, ये निकालते हैं सैलरी डिफरेंस कैसे निकालते हैं, न्यू सैलरी ओल्ड सैलरी, अभी अभी आपको दिखाया। अब देखो, अब इफ एल्स यूज करा, अगर मैं डिलीट कर रहा हूं तो सारी स्टेटमेंट मत एग्जीक्यूट करो, सिर्फ ये वाली एग्जीक्यूट करो, कौन सी, ये वाली, इफ डिलीटिंग देन दिस। और हमें पता है जब हम किसी चीज को डिलीट करें, किसी किसी एम्प्लॉय को डिलीट करें, तो उसकी ओल्ड सैलरी होगी, न्यू सैलरी नहीं होगी। न्यू सैलरी क्या होगी, अब तो मैं कह रहा हूं ना तुम छोड़ के जाओ, तो जब तुम छोड़ के जाओ तो उस समय उसकी जो भी सैलरी होगी वो उसकी ओल्ड सैलरी होगी। अच्छा, अगर इंसर्ट कर रहा हूं, अगर मैं एक नया एम्प्लॉय हायर कर रहा हूं, तो नया एम्प्लॉय की तो हमेशा नई सैलरी होगी, तो न्यू सैलरी आएगी उस केस में। तो अगर मैं इंसर्ट एल्स इफ, मैंने लिखा एल्स, ELSSE नहीं लगाते यहां पे, एल्स इफ इंसर्टिंग देन, फिर न्यू सैलरी प्रिंट करो। और अगर अपडेट कर रहा हूं तो अपडेट के केस में तो दोनों होता है ना, ओल्ड सैलरी भी होती है और न्यू सैलरी भी होती है। तो अपडेट के केस में मैंने तीनों चीज लगा दी, ओल्ड सैलरी भी प्रिंट करो, न्यू सैलरी भी प्रिंट करो, और सैलरी डिफरेंस। भाई अपडेट में तो डिफरेंस निकाल सकते हो, भाई मैंने कहा किसी की सैलरी 20,000 थी, 25 कर दी, तो डिफरेंस कितना आया, 5,000। तो ओल्ड सैलरी क्या थी, 20,000, न्यू सैलरी क्या थी, 25,000, डिफरेंस क्या हुआ, 5,000। तो अगर अपडेट कर रहे हैं तो ये तीनों आउटपुट प्रिंट होने चाहिए, और अगर डिलीट कर रहे हैं तो ऊपर वाला, और इंसर्ट करें तो नीचे वाला। आओ चलो इसको रन करा के देखते हैं, ठीक है, रन कराया, देखिए, ओहो ट्रिगर क्रिएट, वेरी नाइस, क्या ब्यूटीफुल चल रहा है। चलो अब हम चलो रन करा के देखते हैं, तो रन करा के देखें, चलो रन करा के इंसर्ट करा के देखते हैं। तो पहले देख लेते टेबल क्या था हमारा, तो आओ देख लेते एक बार फिर से, ताकि आपको टेबल एक बार याद आ जाए कि टेबल क्या था आपका, ठीक है। तो मैं पहले सबसे पहले आपको टेबल दिखा देता हूं, तो आपको एकदम क्लियर हो जाए कि टेबल क्या था। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प ऑर्डर बाय ईआईडी, ठीक है, ये मेरा टेबल था। अब इस टेबल में एक वैल्यू मैं इंसर्ट कर रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं इंसर्ट INSERT इंसर्ट इनटू इनटू क्या, इम्प ईएमपी VALUES वैल्यूज। सब मैं छठवां एम्प्लॉय ऐड कर रहा हूं, छठवां एम्प्लॉय है, इसका नाम है, सपोज करो इसका नाम है करिश्मा, करिश्मा, ठीक है। और इसकी सैलरी है, सपोज करो इसकी सैलरी है 50,000, ओके ओके अब मैंने इसको बंद किया, उसको बंद किया, तो क्या वो इंसर्ट इनटू इंप वैल्यूज। तो जैसे ही मैंने इसको रन कराऊंगा तो क्या होगा, ट्रिगर भी रन करेगा, क्योंकि ट्रिगर मैंने किसके लिए बनाया, तीनों के लिए बनाया, इंसर्ट के लिए भी बनाया है, ध्यान से देखो, ट्रिगर मैंने किसके लिए बनाया, इंसर्ट के लिए भी बनाया, कि जब इंसर्ट हो तब भी फायर हो, डिलीट हो तब भी फायर हो, अपडेट हो तब भी फायर हो। तो जब मैं इंसर्ट कर रहा हूं तो फायर होगा, ट्रिगर फायर होगा। तो अब जैसे ही मैं इंसर्ट दबाऊंगा तो देखना ट्रिगर फायर हो जाएगा, ठीक है, मैंने इंसर्ट जैसे ही दबाया तो ट्रिगर फायर हो गया, और क्या दे रहा है, न्यू सैलरी। देखा, इंसर्ट के लिए मैंने बताया था सिर्फ एक ही चीज रन करनी चाहिए, न्यू सैलरी, दैट इज 5,000। आपका मैं डिलीट करना चाहता हूं, सपोज करो मैं करिश्मा को डिलीट करना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, डिलीट फ्रॉम, मैं लिखूंगा डिलीट फ्रॉम, DELETE, डिलीट फ्रॉम,
ठीक है, सपोज करो मैं जैस्मिन को डिलीट कर रहा हूं, डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर ई आईडी इज इक्वल टू, ऊपर जैस्मिन की आईडी कितनी थी 5, 5 को डिलीट कर रहा हूं, तो 5 की ओल्ड सैलरी कितनी थी 40,000, 45,000, तो वो आ जानी चाहिए। क्यों देखो, तो ओल्ड सैलरी कितनी आ गई 45,000, क्लियर। तो देखो ओल्ड सैलरी रन कर रहा है, लेकिन अगर मैं अपडेट करूं, अपडेट सपोज करो जेम्स को 43 मिल रहा है, अब जेम्स को मैं 50 दे दूं, ठीक है, तो क्या होगा, तो अपडेट हो जाएगा उसकी प्रीवियस सैलरी 43,000, न्यू सैलरी 50,000, डिफरेंस 7,000, ये आ जाना चाहिए। तो मैं क्या लिख रहा हूं, अपडेट, अपडेट व्हाट, अपडेट व्हाट, अपडेट इम सेट सैलरी इज इक्वल टू व्हाट 50,000, वेयर डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर ई आई डी, ई आई डी इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो अपडेट की जगह मैं ओ डेट लिख दिया, यार बता दिया करो आप लोग, वैसे बताओगे कैसे, मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलो तो देखा आपने, जैसे ही मैंने अपडेट किया तो क्या हुआ, ओल्ड सैलरी कितनी होगी 43,000, न्यू सैलरी कितनी होगी 50,000, और डिफरेंस कितना गया 7,000। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जावा टी पॉइंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जावा टी पॉइंट, थैंक यू।